अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द साइटोप्लाज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स, जो के प्लांट्स में पाए जाने वाले या लोअर प्रोटोजोन्स में पाए जाने वाले या एलजी में पाए जाने वाली जो है वो डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम प्लांट एनिमल को कंपेयर करें तो याद रखिएगा, इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। कहाँ होते हैं ये? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और इन्हें अगर डिफाइन किया जाए तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है केमिकल सिंथेसाइजर्स एंड स्टोरेज बॉडीज। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? केमिकल सिंथेसाइजर एंड स्टोरेज बॉडीज का नाम दिया गया है। डबल मेम्ब्रेनस है वो तो हम कंटिन्यू किया है पिछले लेक्चर में से हमने, तो याद रखिएगा इन्हें कहते हैं केमिकल सिंथेसाइजर और दूसरा कहा जाता है स्टोरेज बॉडीज। इसका मतलब ये कि बहुत सारे मटेरियल को सिंथेसाइज भी करते हैं, कुछ मटेरियल को कहीं ये रोल स्टोरेज का काम भी कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास प्लांट सेल में पाए जाने वाले याद रखिएगा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, जो के केमिकल सिंथेसाइजर एंड स्टोरेज बॉडीज का काम करते हैं। याद रखिएगा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अब इन प्लास्टिड्स को जब हम क्लासिफाई करें तो इन केस ऑफ प्लास्टिड्स दे आर डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्ट। याद रखना कि ये कहां से डेवलप होते हैं? डेवलप्ड फ्रॉम प्रोप्लास्ट, प्रोप्लास्ट से डेवलप होते हैं। और तीन टाइप हैं बेसिकली। जब प्रोप्लास्ट मैच्योर होता है तो ये डिवाइड होता है, चेंज होता है तीन टाइप्स में, जिनमें याद रखिएगा कि सबसे पहले दी क्लोरोप्लास्ट, नंबर वन है क्लोरोप्लास्ट, एंड देन क्रोमोप्लास्ट, एंड देन लीकोप्लास्ट। ओके, क्लोरो क्रोमो एज वेल एज द लीकोप्लास्ट। तो बेटा प्रोप्लास्ट से डेवलप हुए केमिकल सिंथेसाइजर एंड स्टोरेज बॉडीज हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेनियस हैं, तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट लीकोप्लास्ट। अब जब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा डबल मेम्ब्रेनियस प्लांट सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, इनमें जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज ए डबल, और इसके अंदर मौजूद होते हैं, हम थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करें, इसके अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, लेकिन स्टॉक्स एंड बंच में दिस इज द मेम्ब्रेन, ये जो स्टॉक बने हुए हैं दैट इज कॉल्ड एज द, एंड दिस इज से कहते हैं थैला क्वाइट्स एंड ग्रेनम।
बहुत सारे हैं तो ग्रेनम। अब इस ग्रेनम के अंदर क्या मौजूद होता है, दैट इज दी हंड्रेड्स ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्या मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो इसके अराउंड फ्लूडी रीजन होता है, इस रीजन को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर याद रखिएगा लिपिड ग्लोब्यूल भी होते हैं, ग्लोब्यूल्स, इसमें सक्रोज भी होगा, इसमें वाटर भी होगा एंड डिफरेंट आइंस एंड ऑर्गेनिक अदर मटेरियल मौजूद होंगे। दिस इज दी मेम्ब्रेन। अब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में थैलेकोइड एंड ग्रेनास की फॉर्म में अरेंजमेंट होती है स्पेशली क्लोरोफिल की, और ये हेल्प्स करते हैं इन द फोटोसेंसिस। ये क्या काम करते हैं, दे टेक पार्ट इन फोटोसेंथेसिस प्रोसेस। किसमें बेटा, फोटोसेंसिस में बहुत बड़ा रोल है क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि फोटोसेंसिस में आपको पता होना चाहिए कि जब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके, अब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी में, तो फाइनली बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रोमा रीजन ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल। तो याद रखिएगा, जब लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इनटू द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में, बाय वेरियस प्रोसेस एंड स्टेप्स, इस प्रोसेस को हम फोटोसेंसिस कहते हैं। अब देखिए यहां पर लाइट एनर्जी को कैप्चर किया, फॉर एग्जाम्पल यहां पर बनी एटीपी और एनएडीपी एच प्लस एच, ये जो मॉलिक्यूल है ये आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट से आई उसकी फिक्सेशन में लग जाएंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे इनटू दी ग्लूकोज। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इनटू दी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम जनरली नाम देते हैं फोटोसेंसिस का। इसलिए याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। क्यों कहा गया, क्योंकि इन केस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ये लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू द केमिकल एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज द ग्लूकोज बाय वेरियस स्टेप। पहले एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा, वो पहुंचेगा स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में होगा केल्विन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी और फाइनली बनेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसी वजह से एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। और फोटोसेंसिस की इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो फोटोसेंसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। तो याद रखिएगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम यहां नीचे ले आते हैं अब, क्योंकि जगह नहीं बची हमारे पास। तो रिजल्ट में बचेगा, बनेगा C6H12O6, जो किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का, जो के क्या है हमारे पास, स्टोर केमिकल एनर्जी है। इसे बॉडी का फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी पैदा होती है वो ग्लूकोज के टूटने से। अब क्या बना, ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6O2, 6 मॉलिक्यूल बन गए ऑक्सीजन के एज अ बाय प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट बनी है वो कौन सी है, दैट इज द ग्लूकोज। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है यहां पर कि किस क्यों कहते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन को, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसेंसिस।
तो पहली टर्म तो हमने किसी हद तक क्लियर कर ली कि प्लास्टिड को केमिकल सेंसिटाइजर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर देखें क्लोरोप्लास्ट में लाइट से ग्लूकोज बन रहा है, केमिकल्स तैयार हो रहे हैं, एटीपी बन रही है, एनएडीपीएच बन रहा है, मींस केमिकल बन रहे हैं, इसलिए इसको सेंसिटाइजर भी कहते हैं। ओके, और ये हेल्प करते हैं फोटोसेंसिस में, और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से यानी प्लास्टिड्स की वजह से प्लांट में ऑटोट्रॉफिक कंडीशन आती है और प्लांट कैपेबल हो जाते हैं कि अपनी फूड को खुद तैयार करें, अपनी फूड को खुद सेंसिटाइज कर सकें। लेकिन अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमो, जिस तरह क्लोरो कलर्ड को कहा जाता है, क्लोरो याद रखिएगा ग्रीन, लेकिन कौन सा कलर? ग्रीन। क्लोरो मीन्स ग्रीन, और प्लास्ट कहते हैं लिविंग को, ग्रीन लिविंग प्लास्ट आर मटीरियल। तो इसमें ग्रीन कलर्ड होंगे क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्रोमो कहा जाता है कलर्ड बट एक्सेप्ट ग्रीन, एक्सेप्ट ग्रीन के अलावा जितने भी कलर, वो कलर कौन कौन से हो सकते हैं? मे बी पिंक, मे बी रेड, मे बी येलो, मे बी ऑरेंज, ऑरेंज, मे बी पर्पल, मे बी ब्लू, डिफरेंट कलरेशन के पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर। ये क्या, यहां पर क्या होते हैं? यहां पर क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं पिगमेंट्स, और वो पिगमेंट्स किस किस्म के होते हैं? या तो रेड पिंक कलर देने वाले, रेड कलर देने वाले, येलो कलर देने वाले, ऑरेंज कलर देने वाले, पर्पल कलर देने वाले, ब्लू कलर देने वाले, जिनको हम लिखते हैं कैरोटीन, जिनको हम लिख सकते हैं जैंथोफिल, जिन्हें हम लिख सकते हैं फाइकोकाइनिन, जिन्हें हम लिख सकते हैं फाइको एरेथ्रिन एक्सेट्रा, और बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो ये कलरेशन पैदा करते हैं। और ये कलरेशन किस में होती है? इन दी फ्लावर, इन दी फ्रूट्स, इन द सीड एंड इन दी सम प्लांट लीव्स में भी। आपने देखा होगा कुछ प्लांट के लीव्स भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल तो है ही है, क्लोरोप्लास्ट भी है, फोटोसेंसिस भी हो रहा है, लेकिन जो पिगमेंट डोमिनेंसी है उस बेसिस पर कुछ लीव के कलर पर्पलिश या रेडिश टाइप भी होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो हमारे पास जो है क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये कलर्ड मटीरियल है एक्सेप्ट ग्रीन, और ये पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं क्रोमोप्लास्ट, डिफरेंट कैरोटीन, जैंथोफिल, फाइकोक्रिन, फाइकोरेथ्रिन, फाइकोब्लिन और डिफरेंट टाइप जो कलर देंगे, पिंक, रेड, येलो, पर्पल, ब्लू एंड डिफरेंट कलर्स किसको देंगे? टू फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड लीव्स। ओके, तो ये हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, इट मींस ये कहां कहां पाए जाते हैं? फ्लावर में, फ्रूट में, सीड में और सम लीव्स में पिगमेंट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड के टाइप हैं। अब याद रखिएगा ये कहां पर मौजूद होते हैं? लीकोप्लास्ट, लीको कहते हैं कलरलेस, क्या कहते हैं? कलरलेस कहा जाता है। अब ये जो कलरलेस ऑर्गेनेल है, ये जो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, इसमें ये कहां पाए जाते हैं? दे डेवलप इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट। ओके, एब्सेंस ऑफ लाइट में डेवलप होते हैं, और कहां होंगे? इन रूट्स, क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट कहां होते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट रूट्स होते हैं, इसलिए रूट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। क्या है? कलरलेस प्लास्टिड्स। और याद रखिएगा इनका फंक्शन होता है, जिसका इनका फंक्शन कलरेशन देना है, या फंक्शन केमिकल सेंसिटाइजर है, और ये भी पिगमेंट सेंसिटाइज करते हैं और कलरेशन देते हैं, लेकिन इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
एंड लिपिड्स एज वेल एज अदर मटीरियल्स. अदर मटीरियल्स को, आइंस को, अदर मटीरियल्स को स्टोर करने का काम भी लिकोप्लास्ट करते हैं और ये रूट्स में पाए जाते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट डेवलप होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट डेवलप होते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यानी अंडरग्राउंड पार्ट वो कौन से होते हैं, रूट्स, और वहां पर ये काम करते हैं स्टोरेज का. स्टोरेज किसकी है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, लिपिड्स एंड अदर मटीरियल्स. इसी वजह से प्लास्टिड्स को आप देखें यहां पर हमने नाम दिया स्टोरेज बॉडीज. सेंसाइजेशन की वजह से नाम दिया सिंथेसाइजर्स. कहां पाए जाते हैं, प्लांट्स में, एज वेल एज याद रखिएगा जो है वो एल्जी में भी एंड बहुत सारे प्रोटोजोन्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं, जिनमें यूग्लिना है या क्लेमेडोमोनास है, इनके अंदर भी प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में मौजूद होते हैं. देन हमारे पास दीज आर दी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स. इसमें हम कुछ एमसीक्यूज, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लेक्चर डिलीवर किया था, आगे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस नहीं किए थे, तो हम इस पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं फ्रॉम दी गिवन ऑर्गेनल्स विच ऑफ देम कॉल्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनिल एंड पावर हाउस ऑफ सेल. तो बेटे हमारे पास ऑप्शन है ए गॉल्जी बॉडीज, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, सी दी माइटोकॉन्ड्रिया, डी बोथ ए एंड सी. तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऑटोनोमस एंड पावर हाउस हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को. सो योर आंसर शुड बी द सी. Then next one question is the plastids which are take part in the photosynthesis means autotrophy in plants option A the क्रोमोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी दी लिकोप्लास्ट एंड डी नन ऑफ दीज. तो वी हैव डिस्कस in this lecture also the photosynthesis and autotrophic condition
is due to the presence of the chloroplast, so your answer should be the B. Then the next question is the which of the following types of organelles having their own DNA and RNA for is self-replication. So the option A, mitochondria, B, the Golgi bodies, the C, chloroplast, and D, the endoplasmic reticulum, ER. And E, both A and C. तो बेटा याद रखिएगा, यहां पर एक पॉइंट हमने डिस्कस करना था क्लोरोप्लास्ट में, और मैं इस एमसीक्यू जब आया यहां पर तो हम मैंने आपको बता रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और आरएनए भी होता है, लाइक एज इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो याद रखिएगा डीएनए भी होगा और आरएनए भी होता है फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए. तो हमने पीछे पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में है, और अब हमें पता चल गया कि क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स में भी है. सो आपका आंसर होगा दी ऑप्शन ई, बोथ ए एंड सी. देन हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, दैट इज दी कलरेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड सीड्स इन प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ pigments which are produced by option A, the leucoplast, B, chloroplast, C, the chromoplast, D, only proplast, E, all of these. So याद रखिएगा, the coloration producing or pigment producing
capability in the chromoplast. So chromoplasts are associated with the provision of color, different colors in seed, in flowers, in fruits, by producing different pigments. Okay, so your answer should be the C. Then the next question, that is, ये डायग्राम फ्रॉम द गिवन डायग्राम from the given diagram the named and functions are option A. हम सबसे पहले देखेंगे लिखेंगे यहां पर नेम, क्योंकि टेबल वाला क्वेश्चन बनता है इससे, एंड द फंक्शन. तो यहां पर हम ऑप्शन रखते हैं ए, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस. बी ऑप्शन रखते हैं हम, दैट इज दी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस. सी ऑप्शन रखते हैं दी गॉल्जी बॉडीज. सेलुलर सीक्रेशन. डी ऑप्शन रखते हैं द प्लास्टिड्स केमिकल सिंथेसाइजर. सो याद रखिएगा, हमने कहा कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम the named as and functions are, जो हमारी दी गई डायग्राम है इसका नाम मालूम करना है और इसके हमने फंक्शन मालूम करने हैं. तो हमने देखा फंक्शन और नेम. नेम हमने दिए बहुत सारे आर्टिकल के, ऑप्शन ए में ई आर प्रोटीन सिंथेसिस, बी में नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन पावर हाउस, सी में नाम दिया गया गॉल्जी बॉडीज फंक्शन सेलुलर सीक्रेशन, डी में नाम दिया गया प्लास्टिड्स फंक्शन केमिकल सिंथेसाइजर. तो याद रखिएगा ये जो फ्लैटन बॉडीज हैं इन्हें याद रखिएगा हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देते हैं गॉल्जी बॉडीज और इसका फंक्शन है सेलुलर सीक्रेशन. तो जो आपका आंसर है दैट शुड बी सी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम आयंस टेक पार्ट इन द इंपल्स ट्रांसमिशन इन द न्यूरॉन्स
at synapse this calcium ion in the cell which organelle act as this organelles this calcium ion in the cell thoda sa erase kare in the cell stored in हमने शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन को ऑप्शन ए देयर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बी माइटोकॉन्ड्रिया सी गॉल्जी बॉडीज डी the plastids e only er so पीछे हम ये तो पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम आइंस टेक पार्ट इन इंपल्स ट्रांसमिशन इन द न्यूरॉन At synapse, this calcium ion in the cell stored in. तो कौन से organelle में store होंगे? हम पढ़ चुके हैं endoplasmic reticulum. लेकिन यहाँ option में देखें क्या लिखा है? A. endoplasmic reticulum. B. mitochondria. C. Golgi bodies. D. plastids. E. only ER. अब देखें यहाँ पर only का word इस्तेमाल किया है. Answer तो ये भी हो सकता है. लेकिन हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाना है सो योर आंसर शुड बी ओनली ईआर ओनली ईआर सो योर आंसर शुड बी द ई देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग the mitochondria else means except okay a powerhouse of cell b cell secretion c semi autonomous d में हमारा ऑप्शन है साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन तो बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग दी माइटोकॉन्ड्रिया ये क्वेश्चन आपके एंट्री टेस्ट में रिपीट हो चुका है प्रीवियस एमकैट टेस्ट में ऑल ट्रू है लेकिन कोई एक ऑप्शन जो ट्रू नहीं होगा वो ढूंढना है हमने पावर हाउस ऑफ सेल तो ये हम पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल सिक्रेशन बिल्कुल भी नहीं इसका काम सेल सिक्रेशन नहीं होता सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स ये हम पढ़ चुके हैं ऑन डीएनए की वजह से साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन वो भी माइटोकॉन्ड्रिया का करैक्टर है तो हमने देखा कि सेल सिक्रेशन जो है ये फंक्शन गॉल्जी बॉडीज का है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का सो एल्स में आपका आंसर होगा बी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द
non single membrane bonded as well as non membrane bonded organelles of the cell cytoplasm. Thanks. इसका शॉर्ट ले ले फुल स्क्रीन.